अधिसूचना जारी होने के बाद शुरू हुआ नामांकन जमा करने का कार्य संपन्न। 9 नवंबर की शाम 6 बजे तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जमा हुए कुल 2800 नामांकन। रीवा में जमा हुए सबसे ज्यादा 162 नामांकन। नामांकन दाखिल होने के बाद 12 नवंबर को होगी नाम निर्देशन पत्रों की जांच। 14 नवंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद जारी होगी प्रत्याशियों की अंतिम सूची। नामांकन के अंतिम दिन प्रदेश भर में कई दिग्गज नेताओं ने भरे पर्चे। राजधानी में भाजपा के 7 प्रत्याशी एक साथ नामांकन जमा करने हुए रवाना। कांग्रेस, भारतीय शक्ति, चेतना पार्टी और कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी दाखिल किए पर्चे। मुख्यमंत्री के सामने बुग्गे से लड़ेंगे अरुण यादव। प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से अब तक 33,600 से ज्यादा गैर जमानती वारंट की तामील। 3,251 अवैध हथियार भी किए गए जब्त। 2,57,000 से ज्यादा शस्त्र थानों में जमा। मुख्य चुनाव आयुक्त 13-14 नवंबर को करेंगे प्रदेश में निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा। 13 नवंबर को इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग तो 14 नवंबर को भोपाल, रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर संभाग में की गई निर्वाचन तैयारियों की लेंगे जानकारी। द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रकाशित नामावली के बाद 98,819 निर्वाचक हुए शामिल। निर्वाचन नामावली के द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण का 27 सितंबर को किया गया था प्रकाशन। प्रदेश के विभिन्न जिलों में मतदाता जागरूकता को लेकर की जा रही है नई पहल। बैतूल में मतदाता जागरूकता के लिए खेला गया मैत्री मैच। कलेक्टर 11 और पुलिस 11 के बीच हुए क्रिकेट मैच के दौरान दिया गया मतदान करने का संदेश। बुंदेलखंड अंचल के छतरपुर जिले में लोक परंपरा अनुसार पीले चावल देके किया जा रहा है मतदाताओं को आमंत्रित। मतदान दिवस पर निर्भीक और निष्पक्ष मतदान के लिए किया जा रहा है प्रेरित। दूरसंचार विभाग के निर्देशानुसार BSNL ने डिजिटल KYC के जरिए शुरू किया मोबाइल उपभोक्ताओं का सत्यापन। बायोमेट्रिक्स मशीन के द्वारा की जाएगी KYC। BSNL के प्रबंध निदेशक अनुपम श्रीवास्तव ने शुरू की सेवा। कश्मीर एवं हिमाचल में हुई बर्फबारी का प्रदेश में दिख रहा है असर। पिछले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2.7 डिग्री तक की गिरावट की गई दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक 15 नवंबर के बाद तापमान में होगी और ज्यादा गिरावट, बढ़ेगी ठिठुरन। मुरैना जिले के पारंपरिक लीला मेले में दिखे कृष्ण लीला के विविध रंग। मुरैना गांव में 3.5 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के निवास करने की मान्यता। स्थानीय दाऊजी मंदिर में होती है विशेष पूजा अर्चना। सतना जिले के चित्रकूट में दीपावली के बाद लगा विशाल पशु मेला। घोड़ों, गधों और खच्चरों के सबसे बड़े मेले के रूप में है चित्रकूट के मेले की पहचान। देश भर से लाए गए 10,000 से ज्यादा अश्व प्रजाति के जानवर। राजधानी के गुलाब उद्यान में बोनसाई और फेंसिंग प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। लेक सिटी बोनसाई एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित प्रदर्शनी में 11 अलग अलग कैटेगरी में प्रदर्शित किए जा रहे हैं 450 से ज्यादा प्रदर्श। लार्वा और फीवर सर्वे के बाद भी भोपाल, सीहोर और विदिशा में जीका का बढ़ा संक्रमण। भोपाल में 7 दिनों के भीतर जीका वायरस से 2 लोगों की मौत। सीहोर में 15, विदिशा में 11 और सागर में 1 मरीज में जीका वायरस की हुई पुष्टि। और महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 34 रनों से हराया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जमाया शानदार शतक। भारत के 194 रन के जवाब में न्यूजीलैंड ने बनाए 160 रन। हरमनप्रीत की T20 वर्ल्ड कप में शतक जमाने वाली पहली भारतीय।